हूँ आपका अपना भाई अनिल ढांडा और आप देख रहे हैं एक न्यूज चैनल, जिस तरह से हम छोटी बड़ी न्यूज डेली अपडेट करते हैं। तो आज यहाँ पे हम जीन ट्रक यूनियन के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर हम दे रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रक यूनियन जो वर्कर है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो किस मुद्दे पे वो इकट्ठा हुए हैं वो आपको दिखाएंगे कि क्या वजह है जो आज इकट्ठा होकर सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। तो पूरी रिपोर्ट हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे और बात करते हैं उनसे, उन्हीं से जानते हैं किस कारण से वो आज ये मजबूर हैं मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए। हमने आज हमने भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के इस बैनर के नीचे आज हमारे इस जीन ट्रक यूनियन में जो 5 जिलों की पासिंग एक रोहतक में इस सरकार ने प्राइवेट कंपनी को दिया गया, और दूसरी बात जो हम पानीपत और सोनीपत और झज्जर और रोहतक और जींद की पासिंग एक रोहतक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, जिससे सप्ताह में 5 दिन पासिंग होगी और हर जिले को 1 दिन मिलेगा। और सरकार की इस तानाशाही से हमारी ट्रक इंडस्ट्रीज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम सरकार से एक प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो पासिंग है जिस तरह पहले जिले में पासिंग हो रही थी उसी हिसाब से फिर से पासिंग शुरू की जाए। तो और की और क्या क्या मांगे आपकी? और हमारे जैसे केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 31 दिसंबर तक सभी गाड़ी के पेपर वैलिड होंगे, सरकार ने आदेश जारी कर दिया। उसके बाद जो सरकार है हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार इन टैक्सों के ऊपर ब्याज भी ले रही है, पलंटी भी ले रही है, और जो परमिट लेट हो जाता है उसके ऊपर भी ब्याज और पलंटी ले रही है। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, अब सरकार कहती है कि भाई ये हमारे सरकार के आदेश हैं, सरकार के आदेश में कहाँ चले गए जो 31 दिसंबर तक सभी पेपरों में सरकार ने राहत दी थी। और दूसरी बात जो सरकार ने 1 अक्टूबर से भाई सभी गाड़ी के पेपर कोई भी अधिकारी पेपर नहीं चेक कर सकता, अपने फ़ोन से ऑनलाइन चेक करे, लेकिन तानाशाह सरकार है और तानाशाह सरकार के तानाशाही जो अफसर हैं ये भी हमारे ड्राइवर चालक मालिक को इस तरह से तंग किए जा रहे हैं। तो आज आपने मीटिंग रखी इसके बारे में? आज हमने मीटिंग रखी, बिल्कुल हमने मीटिंग रखी है। क्या फैसला लिया गया जिसमें आपने? आज फैसला ये लिया गया कि 16 तारीख से अगर सरकार हमारी ये बातें नहीं मानती तो 16 तारीख को हम 5 जिलों में इस एक चक्का जाम भी करेंगे और रोड जाम करने का भी ऐलान किया गया है। क्या नाम है आपका? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र बदाणी। एक मिनट, जो किसान दिल्ली की ओर कुछ करें तो आप देखो, हम किसान भी हैं, गाड़ी मालिक भी है। इस देश की रीढ़ की हड्डी एक किसान है, देश को जो अन्न पैदा करके देता है, और हमारी जो ट्रक इंडस्ट्रीज है ये देश का एक, ये भी एक रीढ़ की हड्डी है जो खाद्य सामग्री फल सब्जी दवाइयाँ इधर से उधर भेजने का काम करती है। और हमारे जो देश का जवान है, ये जवान भी इस देश की रीढ़ की हड्डी, जवान, किसान और गाड़ी मालिक। जो मीटिंग हुई है उसमें किसानों को लेकर भी कुछ? हम सभी किसान, हम किसानों का समर्थन करते हैं तन मन धन से। तो उसके साथ दिल्ली भी पहुंचोगे आप? हाँ, दिल्ली पहुंचेंगे। और कब तक खड़े रहोगे आप वहाँ पर? वहाँ पर जब तक ये मांग हमारी नहीं मानी जाए तब तक हम वहीं रहेंगे, चक्का जाम भी करेंगे। काले कानून सरकार ने वापस लेने चाहिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो आपकी क्या रणनीति होगी? सरकार वापस नहीं लेती इस काले कानून को तो हम अपनी गाड़ियों के पहिया जाम कर देंगे। आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसे सरकार ने ये हमारी जो NCR में गाड़ियों के 10 साल किए गए, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं भी जो सरकारी कर्मचारी है उसको 58 साल में रिटायरमेंट देती है और हमारी जो गाड़ी है गाड़ी को 10 साल कर दिया गया, और जो नेता लोग हैं को 80 साल का नेता है, कोई 75 साल का नेता है, इनकी कोई आयु नहीं, ये नेता लोग सब एक हैं चाहे कोई भी पार्टी हुई। लेकिन जो हमारी ट्रक इंडस्ट्रीज है, जो इस सरकार ने हमारे गाड़ियों को 10 साल किया गया, तो हम सरकार से एक ये भी अपील करते हैं कि प्रदूषण इंजन से फैलता है तो हमारी गाड़ियों का जो इंजन बदली करने का एक नोटिफिकेशन जारी करे और हम अपनी गाड़ियों का इंजन लगा करके हम अपनी गाड़ियों को चला सके। आज हम गाड़ी में जो हमारी गाड़ी है, गाड़ी की आज हमारी गाड़ी की वैल्यू 15 लाख रुपये है, मान के चलो उस गाड़ी का 2 साल में उस गाड़ी की वैल्यू 8 लाख रुपए हो जाती है, जब 10 साल में आती है तो उस गाड़ी की वैल्यू 8 लाख होती है। लेकिन सरकार ने ये काले कानून लगा करके उस गाड़ी को कबाड़े में जब हम बेचते हैं तो उस गाड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए हो जाती है। तो हम सरकार से अगर ये काम करती है सरकार, अगर 10 साल गाड़ियाँ करती तो हमारी जो इंश्योरेंस में वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से हमारी गाड़ी की कीमत चुकानी चाहिए सरकार ने। क्या नाम है आपका? मेरा रविंद्र बदाणी। मैं अमरजीत चेयरमैन जी रोहतक से
हमारी जो ये गाड़ियों का काम इस सरकार ने ख़त्म किया है। पहले 5 साल जो परमट था उसको आते ही 1 साल का किया, उस पर पेलेंटी। फिर हमारी पहले सरकार में जब हमारी गाड़ियां पास होती थी उसकी पासिंग टूट जाती थी तो 1400 रुपये में हमारी गाड़ी पास हो जाती थी, चाहे वो 2 साल की टूट रही है चाहे वो 5 साल की टूट रही है। अब इस सरकार ने आते ही हमारी पासिंग पर डे की 50 रुपये पेलेंटी, सरकार ने आते ही हमारे ऊपर जो गाड़ी का 12,000 रुपये टैक्स था उसका 18,000 रुपये कर दिया। तो सरकार ने अपने वादे तो फेल कर दिए। अपना सरकार का वादा था कोई भी टैक्स पे पेनल्टी नहीं लगेगी, इसकी अभी भी हमारे से पेनल्टी ली जा रही है। फिर हमारी जो गाड़ियां हैं पासिंग जिले वाइज पहले हो रही थी, क्या पहले चोर बाजारी थी? अब ये सही करेंगे, चोर बाजारी तो अब चल रही है हमारे साथ। क्या हमारी गाड़ियां अगर जींद से, पानीपत से, करनाल से अगर रोहतक गाड़ियां पासिंग पर जाएंगी तो हमारा कितना लॉस है, रोज का लॉस है? अगर हमारा ये मांगे पूरी नहीं करी गई तो हम चक्का जाम करेंगे 16 तारीख को, ठीक है? हमारी जो पोजीशन आज पूरी ख़राब है। गाड़ी का अगर कोई समझाने वाला हो इस सरकार को तो गाड़ी का खाली इंजन चेंज होना चाहिए था, ना कि पूरी गाड़ी को भाड़े में देने की होनी चाहिए थी। गाड़ी का इंजन गवर्नमेंट ने अपना एक सिस्टम बनाना था, भाई टेल्को में जाओ इंजन चेंज कराओ, ये 1.5 लाख लगेंगे, 2 लाख लगेंगे, ये कराओ। बहुत से गरीब आदमी अगर अपनी गाड़ियाँ चला गए, किसी ने लड़की की शादी करानी होती थी वो लोन करा लेता था, जिसने अपना कोई गाड़ी का कोई कर्ज उतारना था तो गाड़ी का 5-6 लाख रुपये लोन हो जाता था और उसका अपना घर खर्च चल जाता था, एक दूसरे में काम चलिया करता। गवर्नमेंट ने खुद अपना ही ज्ञान नहीं है तो हमारा ज्ञान हमारे को क्या समझाएगी गवर्नमेंट? तो आज मीटिंग थी आपकी? बिल्कुल जींद में हमारी तो मीटिंग थी। हमने फैसला लिया है अगर ये गाड़ी सभी जिले वाइज पहले की तरह पास होनी चाहिए, ठीक है, टैक्स पे छूट दी जाए। वो जो पेनल्टी हमारे ऊपर लग रही है आज भी गवर्नमेंट हमारे से टैक्स पे पेनल्टी ले रही है, और गाड़ियां हमारी कम से कम 15 साल करी जाएं, ठीक है, जिससे हमारा गुजारा हो जाए। अगर गाड़ी 10 साल ही ठीक है रखनी है, कोई गाड़ी में इंजन की चेंजिंग है वो हमारे से कराई जाए और हमारे को दोबारा रोज़गार दिया जाए। तो सरकार अगर सरकार ऐसे नहीं करती है तो हम एकजुट होकर अपना केमें केमें समाधान निकालेंगे। 16 तारीख को हम चक्का जाम करेंगे पूरे 5 जिले का, ठीक है, और हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आगे जमींदार जैसे अड़के खड़े हैं, इससे भी ज़्यादा अड़ेंगे हम। 5 जिलों का ही क्यों चक्का जाम किया जा रहा है? 5 जिलों का रोहतक में क्या हुआ है कि एक लूटमारी माँ चली है वहाँ पे, एक सरकार ने अपना एक गोदाम बना दिया लूटने का गोदाम। वो गोदाम क्या बना दिया कि गाड़ी वहाँ जाओ वापस हो जाएंगी। वहाँ क्या अलग ही पासिंग है, क्या पहले भी तो पासिंग चल रही थी गाड़ियों की, जिले वाइज चल रही थी, गाड़ियों को अंडरलोड है, जब गाड़ियों को लूटा जा रहा है ओवरलोड को रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि ओवरलोड में तो गवर्नमेंट का फायदा होता है, उसका गवर्नमेंट का माल आता है, अंडरलोड गाड़ी है उसको वैसे परेशान किया जाता है, उसका बार बार चलान किया जाता है, तेरे रेडियम नहीं लग रही, तेरा फलानी ये चीज़ नहीं है, तेरा प्रेशर होने लगा हुआ है, वही आपकी बातें हैं जितनी भी हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अपने कानून अपने सिस्टम से फेल हो गई है और हमारे पर थोपती है। क्या नाम है? अमरजीत दंगी। तो हमने यहाँ पे जो ट्रक यूनियन में पहुँच के यहाँ पे बात की, जो ट्रक यूनियन मालिक हैं, जो ओनर हैं उनसे बात की, जो ट्रक चालक हैं या जो भी यहाँ पे मौजूद थे मौके पर उनसे बात करी और जानी उनकी क्या समस्या है। तो इसको लेके जिस तरह से इन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है कि आने वाले टाइम में एक बड़ा आंदोलन ये कर सकते हैं, और जैसे किसानों का आंदोलन जिस तरह से चल रहा है तो उसको लेके भी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम में ये भी किसानों के साथ खड़े हो सकते हैं अगर ये 3 अध्यादेश वापस नहीं लिए जाते हैं। जो ट्रक यूनियन कर्मचारी हैं वो भी आगे के यहाँ पे आंदोलन का साथ दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्ट क्लोज करता हूँ। मैं आपका अपना भाई अनिल ढाड़ा, जय हिंद।